हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द वर्ल्ड ट्रैवलिंग राज। आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा। जो जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी है, उसकी यात्रा करने वाले हैं। तो आज हम आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग वहाँ के कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे जाना चाहिए, यात्रा का कितना खर्चा है, ए टू जेड माहिती मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो देखिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे वीडियो को एक बार लाइक और कमेंट जरूर करना एक बार। थैंक यू सबको मेरी वीडियो देखने के लिए। आगे और अच्छी अच्छी ऐसी ट्रैवलिंग के अलग अलग वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अभी। सो गाइस, यात्रा की शुरुआत हो गई है हमारी। ये हमारा सूरत का रेलवे स्टेशन। ये सूरत से निकलने वाले हैं, 2 बजे की ट्रेन है हमारी और डायरेक्ट जाने वाले हैं कटरा। और 790 रुपये टिकट का प्राइस है और स्लीपर कोच है हमारा डब्बा और हमारी कंफर्म टिकट है। तो अभी हम लोग कटरा पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, ये हम पहुँच गए कटरा। ये कटरा रेलवे स्टेशन है, देखिए। अब मैंने आपको टिकट का प्राइस तो बता दिया। अगर आपको फर्स्ट क्लास में जाना है, स्लीपर क्लास में जाना है, सभी में अवेलेबल है ट्रेन की टिकट। और अगर आपको फ्लाइट में जाना है तो भारत के सभी बड़े बड़े शहरों से आपको फ्लाइट मिल जाएगी जम्मू के लिए, जो जम्मू से मात्र 28 किलोमीटर दूर है कटरा शहर। ये जम्मू का एयरपोर्ट है, देखो आप। और कटरा पहुँचते ही सबसे पहले यात्रा पर्ची निकला। ये यात्रा पर्ची माता वैष्णो देवी की यात्रा पर्ची निकालनी पड़ेगी आपको, जो आपको ऑनलाइन भी निकलवा सकते हो और ऑफलाइन भी निकलवा सकते हो आप लोग। अगर आपको, मेरी मानो तो ऑनलाइन निकालेगा, क्योंकि आपको भीड़ में, ऑफलाइन में कभी कभार भीड़ में खड़ा रहना पड़ता है और ऑनलाइन में कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आता है, तो ऑनलाइन ही निकालो, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूँगा। और जिस तारीख को आपको यात्रा करनी है वही तारीख का आपको डेट डालनी पड़ेगी और आपका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। और होटल भी मिल जाएगा आपको 1000 रुपये के अंदर में, आपको अच्छा सा होटल भी मिल जाएगा, ये देखिए। और खाना पीना भी आपको मिल जाएगा, आपको जैसा खाना वैसा मिल जाएगा, सबसे बेस्ट और सबसे आपको आपकी पसंद का और एकदम हेल्दी खाना मिल जाएगा यहाँ पे, देखो। तो आज दूसरे दिन हो गया है हमारा और दूसरे दिन पर हम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये देखो, कुछ हम खरीद रहे हैं अभी। ये जय माता दी लिखा हुआ पट्टा है और वो ख़रीदने के बाद हम आगे निकलेंगे। ये देखो, यहाँ लोगों ने सब अपने श्रद्धा के हिसाब से बांध रखा है पट्टा सबने। हम आगे चल रहे हैं, वो पहाड़ के उस साइड जाना है हमको, माता वैष्णो देवी का मंदिर उस तरफ है। तो अभी तो बहुत थोड़ा आगे चल के जाना है। अगर आपको घोड़े वगैरह में जाना है तो भी आप जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर की भी सुविधा उपलब्ध है। और पालकी में जाना हो तो उसमें भी जा सकते हैं। देखिए, ये भीड़ लगी रही है यहाँ पे। तो हम लोग को ये लाइन पार करते करते कम से कम 1 घंटा लग गया था। ये बहुत बड़ी लाइन लंबी लगी हुई थी, ये देखो कहाँ तक लाइन है, देखो आगे। तो अभी ये लाइन ख़त्म होने आई है। लाइन ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा गेट आएगा, गेट के बगल में बहुत सारे सिक्योरिटी लोग बैठे होंगे। तो आपको वहाँ पे ही आपका वो यात्रा का पर्ची दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी और वहाँ से आपकी सही में यात्रा शुरू होगी। जो चढ़ाई वाली है वहाँ से चढ़ना शुरू होगा आपको यात्रा में। तो हम गाइस, आप लोग गए हुए हैं तो आपको कैसा लगा यात्रा में, तो आप हमको एक बार कमेंट में जरूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा है यात्रा में।
और हम लोग तीन लोग गए। देखो हम तीनों हैं, देखिए। तो बस हम लोग अभी पहुँचने ही वाले हैं यात्रा के गेट के बगल में। देखो ये वहाँ पे ऐसे चोप लगाए हुए है, आप फोटो खींचवा सकते हैं अपना। ये देखो लंबी लंबी भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ के बगल में एक दूसरी भी यात्रा है जो शिव खोड़ी की यात्रा है। ये वैष्णो देवी की यात्रा ख़त्म होने के बाद आपको वो यात्रा करनी तो वो भी कर सकते हैं। मात्र 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है शिवखोड़ी, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो देखिए गाइस आपको दिख रहा होगा बड़ा सा गेट, बस वहीं पे हमको यात्रा पर्ची दिखानी है, उसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद हम यात्रा करने शुरू कर देंगे। तो देखो हम अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने के बाद यात्रा शुरू करने का स्टार्ट कर देंगे हम लोग। यहाँ अंदर देखो बहुत सारी भीड़ जमा है वो यात्रा पर्ची दिखाने के लिए है। तो देखो और हम अभी अंदर जाएंगे। तो देखिए इस साइड जेंट्स वाला रास्ता है और उस साइड लेडीज़ वाला रास्ता है। सब देखिए अंदर का व्यू है। और अभी हमको ये पहाड़ पूरा चढ़ने का है, ऊपर जो दिख रहा है ना आपको वही पहाड़ हमको चढ़ने का अभी। सब माथे पे दुपट्टा लगाए हुआ है, जय माता जी लिखा हुआ, देखो जय श्री माता वैष्णो देवी। ये मेरा भाई है, उसकी चेकिंग हो रही है अभी, उसके बाद मेरी होगी। तो गाइस हमारी चेकिंग हो गई है अभी। तो गाइस चेकिंग हो गई हमारी, अब हम लोग यहाँ से यात्रा स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से चलेंगे, चलना शुरू हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ से यात्रा शुरू हो गई है। तो अंदर बहुत कुछ अभी आएगा और मैं आपको दिखाता जाऊँगा। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारा वीडियो देखिए। और हमारे वीडियो में नए हो आप तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा उसका एक बारे में एक बार कॉमेंट जरूर करें हमारा वीडियो। देखिए यहाँ पे टी सीरीज वाले का शॉप है, गुलशन कुमार का शॉप है, देखो वहाँ। तो आप यहाँ से आगे से अभी है ना घोड़ा पालकी या पिट्ठू ले सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से ले सकते हैं आप घोड़ा पालकी पिट्ठू जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से सब अवेलेबल है ऊपर जाने के लिए। देखिए एक घोड़ा जा रहा है, देखो यहाँ से ही मिलेगा। और रास्ते में बहुत कुछ मिलेगा आपको, खाने पीने की चीज़ से लेकर हर एक चीज़ मिलेगा आपको, जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा ऊपर जाने के बाद। और चल के जाना पड़ेगा यही है बस, और कोई दिक्कत नहीं आपको वहाँ पे आएगा। और आधे रास्ते से तो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी भी जाती है माता वैष्णो देवी के दरबार तक लेके जाती है आपको। गाइस हमको तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया, और अगर आप लोग गए हुए हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं हमको कि आपको कैसे लगी यात्रा। अगर आप नहीं गए हो तो अभी नवरात्रि का सीज़न शुरू हो गया है, तो आप जाके आए, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। देखो रास्ते में बहुत कुछ आता रहेगा तो मैं आपको सब कुछ बताता रहूँगा। ये एम्बुलेंस भी जा रही थी यहाँ से, अभी देखो आपने यहाँ एम्बुलेंस भी जा रही है। ये आधे रास्ते तक को सब कुछ जाता है, गाड़ी वगैरह भी जाता है, वो गया वो बच्चों के लिए था। माता का मंदिर है छोटा सा नीचे, देखिए शंकर भगवान का मंदिर है और हनुमान जी भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, देखो। और मौसम तो यहाँ का बहुत ही मस्त है, देखो पर थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी इसलिए कीचड़ वगैरह हो गया था सब, और घोड़े ने चल चल के रास्ता भी खराब किया जा रहा। और यहाँ का वेदर तो बहुत मस्त है, देखो मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पे एक बार जाके आओ, यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। लोकेशन भी मस्त है, ये देखो चल चल के थक गया है।
ये देखो एक कटरा शहर दिख रहा है यहाँ से ऊपर से। हम लोग तो पूरे रास्ते छोड़कर से चले हैं। देखो ये कटरा शहर दिख रहा है यहाँ पे। आधे रास्ते पे सीढ़ियों से चले हैं और आधे रास्ते पे बाय रोड जैसे जा रहे हैं ना सब लोग, वैसे गए थे हम लोग। अब इसके बाद थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बैठने के वो थोड़ा नाश्ता वगैरह करना था, इसलिए नाश्ता वास्ता करके वापस निकल गए। देखो आगे और यहाँ ऊपर से कटरा शहर का व्यू तो एकदम जबरदस्त आ रहा है। देखो वो देख रहे हैं वो सब कटरा शहर है पूरा। देखो बादल नीचे रह गए और हम लोग ऊपर आ गए, ऐसा हो गया है। देखो छोटे छोटे बिल्डिंग दिख रहे हैं, वो सब कटरा शहर है। यहाँ से चिड़ियों वाला भी रास्ता है, देखो ये दूसरा। चल के जाने में जो मजा है ना वो घोड़े और पिट्ठू में नहीं, इसलिए मेरी मानो तो चल के ही जवाब। ये देखो कटरा, ऊपर से व्यू दिख रहा है कटरा शहर का पूरा। देखो ये बंदर बहुत है यहाँ पे, देखो ये सीढ़ियों से रास्ता है। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हुए थे और उसके बाद आगे निकल गए। लोग क्या करते हैं कि आधे रास्ते तक यहाँ पे आते हैं और यहाँ रुक जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस यहाँ से शुरू करते हैं यात्रा, 2 दिन करते हैं। पर हम लोग ने ऐसा नहीं किया, हम 11 बजे निकले और शाम को वापस 7-8 बजे नीचे भी उतर गए। पूरी यात्रा करके 1 दिन में पूरा हो गया हमारा यात्रा। और अगर आपको यहाँ पे यात्री निवास में रुकना है तो रुक भी सकते हो, 1 दिन रुक भी सकते हो आप, फ्री में रुक सकते हो यहाँ पे यात्री निवास में। ये पूरा यात्री भवन है, यहाँ पे रुकने का पूरा बंदोबस्त है। देखो तो हम लोगों भी यात्री निवास से आगे निकल गए, यात्री भवन पीछे रह गए और हम लोग उससे ऊपर आ गए। देखो यात्री भवन नीचे दिख रहा है आप लोग। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना है जय माता दी। और देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वातावरण एकदम धुंधला धुंधला होता जा रहा है। ये बादल सब नीचे जा रहे हैं और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। देखो एकदम धुंधला हो गया। देखो तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं माता वैष्णो देवी के दरबार पे। बहुत दूर नहीं है कि हम मैक्सिमम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे माता वैष्णो देवी के दरबार पर। वहाँ पे जो कि कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, पर आप दूर से दर्शन कर लेना। अगर आपको जाना है तो ये नवरात्रि का सीजन शुरू है अभी, तो अभी आप जा के आइए, आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पे एक बार जाके। ये देखो दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो बहुत भीड़ लगी रखी है अभी। और यहाँ पे रोप वे भी है, देखो वो ऊपर भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ तक जाता है रोप वे, मैं दिखाऊंगा वो भी आपको, रोप पे भी आगे दिखाऊंगा। तो हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा ख़त्म होने वाली है। ये देखो पिट्ठू पे कोई जा रहा था। तो बस हम पहुंच ही गए हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। जय माता दी। और यहाँ पे आगे लॉकर रूम आएगा तो हमको वहाँ पे सब कुछ जमा करवाना पड़ेगा, हमारा मोबाइल पर्स बूट चप्पल जो भी है सब कुछ जमा करवाना पड़ेगा। और हाँ यहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरी नहीं कि आप ट्रैकिंग शूज़ पहन के आना पड़ेगा, आप कोई भी शूज़ पहन के आ सकते हो। देखो ये सब बंदर। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है तो देखो आपको लेना हो अच्छा लगे तो ले सकते हो यहाँ से प्रसाद भी। यहाँ से फिसलन हो रही है, ये घोड़े ने चल चल के ऐसा कर दिया और ऊपर से बारिश का सीज़न है तो फिसलन ज़्यादा हो रही थी। और लोग देखो यहाँ पे चप्पल लगा रखा है सबने लाइन में, यहाँ पे नहीं लगाने का आगे लॉकर रूम है वहीं पे रखने का, आप लोग वहाँ पे ही रखें, आगे लॉकर रूम आएगा वहाँ पे आपकी चीज़ सेफ रहेगी। देखो
देखो तो आपको दिख रहा होगा वहाँ आगे लॉकर रूम है, यहाँ से नीचे जाने का लॉकर रूम के लिए, यहाँ से देखो यहाँ से अंदर जाने का लॉकर रूम के लिए। तो अभी हम लोग ने लॉकर रूम में हमारा सामान रख दिया और हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने। दर्शन करने के बाद मैं वापस आके आपको बताऊंगा कि हम कैसा लगा हमको वहाँ पे जाके। तो देखिए ये अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की प्राइस लिखी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर का प्राइस लिखा हुआ है, जाने का 1830 और आने जाने दोनों का 3600 रुपये ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, गुफा के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ गुफा के अंदर माता रानी विराजमान है, यहाँ अंदर ये गुफा में जाने का रास्ता है, ये पूरा चांदी का बनाया हुआ है और पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमको अंदर जाने के बाद बहुत मज़ा आ गया, मैं फर्स्ट टाइम माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आया हूँ इसलिए बहुत ही मज़ा आ गया मेरे को। देखो ये पूरा दिख रहा होगा, माता का दरबार है आपको दिख ही रहा होगा, देखो ये पूरा बहुत ही मज़ा आएगा आपको, आप लोग एक बार जाके आओ बहुत ही अच्छा है। देखो यहाँ सब अभी बंद में बनता ही जा रहा है क्योंकि भविष्य में बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे। तो मैं आगे एक बार और जाना चाहूँगा माता वैष्णो देवी के दर्शन पे। तो जब भी मैं जाऊँगा मैं वापस आपको एक नया वीडियो के साथ मिलूँगा माता वैष्णो देवी का। और अभी हम देख रहे हैं ये रोप वे जा रहा है ऊपर, यहाँ से और दूसरे पहाड़ पे जा रहा है जो वहाँ पे भैरवनाथ का मंदिर है, वहाँ पे जा रहा है रोप वे। एक पर पर्सन 100 रुपये की प्राइस है रोप वे की, बहुत ही मज़ा आएगा ऊपर जाने में भी। मैं वहाँ भी कभी एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। देखो ये रोप वे जा रहा है, देखो पीछे बादल नीचे रह गए और हम लोग ऊपर आ गए, ये पूरा ऊपर तक जा रहा है रोप वे। देखो एक आ रहा है और एक जा रहा है, देखो ये हम वापस आ रहे हैं तब का व्यू है। देखो ये यहाँ पे हम लोग बैठे थे थोड़ी देर, ये नीचे उतर रहे हैं हम लोग वापस। तो गए थे हमको माता वैष्णो देवी का दर्शन करके, हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और कमेंट में एक बार जय माता दी लिख देना। तो देखिए अभी रात हो गई है, वापस आ गए, अभी एक रात यहाँ पे रहेंगे और फिर जाएंगे जम्मू हम लोग। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे अब नई वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का और जय माता दी। अब हमको कल जाना है वापस जम्मू। तो गाइस आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक का था और आगे हमारा वीडियो और दूसरी जगह पे आएगा, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारा वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर करना और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलते हैं, बाय और सबको हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, थैंक यू।